क्राइस्ट ने बोला आई एम सन ऑफ गॉड, और मोहम्मद ने बोला आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, और कृष्ण ने बोला आई एम गॉड। प्रेम की परिभाषा को गढ़ने वाले, मित्रता की सीख देने वाले और भगवत गीता के रूप में जीवन का सबसे बड़ा सार देने वाले भगवान श्री कृष्ण को जब हमने पहली बार टीवी पर देखा तो वह किस रूप में थे? मेरे लिए वह रूप था सर्वदमन बैनर्जी का, जिन्होंने रामानंद सागर के बनाए प्रोग्राम श्री कृष्णा में कृष्ण का किरदार निभाया था। वो नाम ऐसा था कि हम में से कईयों के लिए वही कृष्ण का दूसरा नाम बन गया था। मेरे लिए वह दौर इसलिए भी अहम था क्योंकि उस ज़माने में गांव में लाइट नहीं थी और बाज़ार से घंटों चार्ज होकर छोटी सी बैटरी आती थी। उसी बैटरी के सहारे पूरा गांव एक छोटी सी ब्लैक एंड वाइट टीवी में उन कृष्ण को देखा करता था। तो हमारे उस ज़माने के कृष्ण आखिर आज हैं कहाँ पर? वो न मथुरा में हैं और न द्वारका में हैं, वो बसते हैं ऋषिकेश में। तो आइए चलते हैं ऋषिकेश में, मिलते हैं हमारे श्री कृष्ण से, जिन्हें हमने ख़ास तौर से आपके लिए ढूंढ निकाला है, और जानते हैं उनसे जीवन का वो विज्ञान जो आज वो हमें सिखा रहे हैं। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाने के लिए आपको लेकर जा रहे हैं। तो ये स्पेशल गेस्ट जो हैं, आप सभी का शायद बचपन गुजरा हो इनको देखते हुए। और हम जो ऋषिकेश का अपना जो ट्रैवल है, जो टूर है, ये इस बार का ऋषिकेश या इससे आगे जो डोबरा चांडी पुल तक के लिए, वो हम यहीं से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं श्री सर्वदमन बैनर्जी जी। आइए उनसे बात करते हैं और मिलते हैं, विचारों को जानते हैं। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो और मेरे बारे में सोचो। क्या वो सोचना मुझे जानना है? 99% इंसान जो है इस लेवल पे ही रह जाता है, खाना पीना सेक्स। गीता, ये आप जैसे गीता, ये वो जो बहुत हम लोग धन की किताबों को बहुत हवा देते हैं ना, वो आपको क्या बता रही, कैसे क्या करो, क्या ना करो, क्या करो, इसलिए आप उसमें, यदि वो कुछ ऐसा कुछ नहीं बता रही है तो उसका क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं, समझ लो। वैल्यू क्यों है? वो बता रहा ये अच्छा ये बुरा, मतलब आपको हर आदमी ये बता रहा है कि सोचो कैसे, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि सोचना क्या है। तुम दो बच्चे आए हो, तुम लोग के अंदर क्या है, एक सेंसिटिविटी है, इसलिए मैं इंटरव्यू दे भी रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मुझे तुम पसंद नहीं आते तो मैं भगा देता। तुम्हारे अंदर ना वो टीवी वाला चक्कर थोड़ा कम है, थोड़े अच्छे इंसान हो। दुनिया के जितने धर्म गुरु हैं, जितने झूठे ज्ञानी बैठे हुए हैं, ठीक है, वो किताबों में लिखी हुई बात को तोड़ मोड़ के आपके सामने डाल रहे। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था पैब्लो, ठीक है, उसने कुत्ते के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम है पैब्लो एक्सपेरिमेंट। तो वो जब घंटी बजाता था तो जैसे ही वो कुत्ता आए उसको कुछ खाना देता था, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, कुछ दिन तक तो घंटी बजाई और खाना दिया, फिर उसके बाद वो खाना उसके मुंह में सलाइवा आ जाता था, कुत्ते के मुंह में कि खाना मिलने वाला है। अब उसने खाना हटा दिया, घंटी बजाई उसके मुंह में सलाइवा आ रहा था। आप समझ गए ट्रेनिंग क्या होती है? तो हम लोग को ट्रेन किया गया, इसमें खुश हो, इसमें दुख हो, ये अच्छी चीज है, वो बुरी चीज है। जैसे कोई मर जाए, तो आप आज तक कभी हंसे हो? मैं बहुत हंसता हूँ यदि कोई मर जाए, मैं तो नाचने लगता हूँ, ठीक है। तो मैं, मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ जब मर गए तो मैंने ही फोन उठाया, बोले वो नहीं रहे। अरे मैंने बोला मम्मी देखो देखो उनका फोन आया, वो नहीं रहे नहीं रहे घर के। मैं तो मेरी माँ ने बात तो करने के बाद बोले यार पागल हो गया। मैंने कहा क्यों? तो बोले वो मर गया और आप ऐसे जाना। अरे मैंने कहा जो पैदा होता है, आप लोग इतने मतलब आपकी बुद्धि इतनी खराब है, जो पैदा होता है तो आदमी को सबको रोना चाहिए क्या भाई ये पैदा हो गया, आदमी हमारे ऐसे मरेगा, दुनिया में जो मरा वो फ्री हो गया। आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप किसके रो क्यों रहे हो बताए, मेरे अपने बारे में।
देखो इसका ध्यान करना, मेरी मम्मी नहीं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या, इसलिए आप रो रहे। यदि आप, मेरा ब्रदर इन लॉ मरा था, बहुत पहले की बात है, तो उसकी बहन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, उस जाते जाते एक आदमी के पास पहुंची जो कि मीडियम था, मीडियम मतलब उसके थ्रू आकर उसने बात किया, मतलब उसने क्या बोला, आई एम इन ग्रेट पीस, जस्ट टेक केयर ऑफ अंजलि, उसकी जो वाइफ थी। तो आपसे वो अच्छी जगह में आप अपने लिए रो रहे हो, ठीक है, तो सारा कुछ उल्टा है, हमको जो सिखाया और जो हकीकत है वो उल्टी चल। कभी आपको जिंदगी में किसी ने ये बताया कि सोचना क्या है, ये सवाल किया आपने कभी अपने आप से किया? हम सुबह से लेकर रात तक सोच रहे, व्हाट इज थिंकिंग, ये किसी ने ना हमने अपने से पूछा, ना हमको कोई आज तक टीचर ने बताया, ना टीचर को बताया, बट व्हाट दे आर टेलिंग हाउ टू थिंक। गीता, यदि आप जैसे गीता ये वो जो बहुत हम लोग धन की किताबों को बहुत हवा देते हैं ना, वो आपको क्या बता रही, कैसे क्या करो, क्या ना करो, क्या करो, इसलिए आप उसमें, यदि वो कुछ ऐसा कुछ नहीं बता रही है तो उसका क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं, समझ लो, वैल्यू क्यों है, वो बता रहा ये अच्छा ये बुरा, मतलब आपको हर आदमी ये बता रहा है कि सोचो कैसे, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि सोचना क्या है। तो मेरा सवाल है आप लोगों से भी और जब लोग सुन रहे हैं उनसे भी, व्हाट इज थिंकिंग, सोचना क्या है, ख्याल क्या है, एक सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि क्या सोचना, थिंकिंग जान सकता है, कैन थॉट थिंकिंग, जो अभी आप मेरी मुंह से सुन रहे हो या आप जी बोल रहे हो, ये थॉट है, कैन थॉट नो, क्या थॉट जान सकता है। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, आप आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो और मेरे बारे में सोचो, तो क्या वो सोचना मुझे जानना है? आंख खोलो, अब तो दिख रहा है, तो सेंसेस से हम कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद बड़बड़ाने लगते हैं, बक करने लगते, बट ये सेंसेस जो है यही हमारे असली दोस्त है जो यूनिवर्स है उनको कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये हमने क्या किया, इन सेंसेस को हम कम यूज कर रहे हैं, बस ख्याल 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 ख्याल, समझ रहे हो, क्योंकि वो ख्याल को ट्रेन किया जा सकता, आपको ट्रेन नहीं कर सकते आप, कान को ट्रेन नहीं कर सकते आप, और ख्याल को यदि मैंने ट्रेन कर लिया तो आपको मैं डरा सकता हूँ, आपको धमका सकता हूँ, आपको छुड़ा सकता हूँ, आपको बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो 99% इंसान जो है इस लेवल पे ही रह जाता है, खाना पीना सेक्स और जो बात बताई है या आपको पढ़ा देंगे उसी को पकड़ा। दुनिया के जितने धर्म गुरु हैं, जितने झूठे ज्ञानी बैठे हुए हैं, ठीक है, वो किताबों में लिखी हुई बात को तोड़ मोड़ के आपके सामने डाल रहे हैं। देखिए, दो टाइप की टीचर्स हैं, एक तो है जो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उस टीचर को जाके स्टूडेंट के सामने हम्बल होना चाहिए। हम्बल मतलब ये पोजीशन नहीं लेना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उसको ये बोलना चाहिए बेटा ऐसा है, तुम अभी गणित नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता था, मैंने थोड़ी बहुत सीखी है, मैं तुमको ट्रांसफर कर सकता हूँ, तुम्हें यदि पसंद समझ में आए तो तुमसे अच्छा सीखना चाहो तो सीखो, ठीक है, पहली बात। तो जब आप हम्बल हो गए उस बच्चे के सामने, तो उसको क्या लगेगा कि यार ये आदमी तो बड़ा प्यारा है, ठीक है ना, सही बात। तो आप लिखाई पढ़ाई तो सेकंड दे रहे हो, आपने उसके दिल को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, ठीक है, और अपने आप उसे बड़ा नहीं बना रहे हो, उसके सामने झुक के पर इतना मैंने सीखा, ठीक है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे कुछ उतना ज्यादा नहीं पता,
लेकिन हाँ, मैंने 10-20 साल तुमसे मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ी है, तो मैं तुमको ये सिखा रहा हूँ। आप खाना खाते हो, खाना कैसे उगता है, कैसे बनता है, गोभी कैसे बनती है आपको पता है? ये हवा कैसे चलती है आपको पता है? आपको कुछ नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि आपके दिमाग के अंदर कितने बाल पता है, कितने दांत है, ये भी आपको पता है? 32 है हम लोग कितने, तुमको ये गांव के आदमी से पूछो कि कितने दांत है, जिसमें ज्यादा पढ़ा लिखा वो तो बोलेगा भैया आपके नहीं पता। ठीक है, आपकी जुबान कैसे बनी, ये बाल कैसे बने, कुछ भी तो नहीं पता, लेकिन सब कुछ हो रहा है। तो वो कौन सा पावर है जिस जो सब कुछ कर रहा है लेकिन बता नहीं रहा है कुछ? आप ईश्वर में बहुत ज्यादा मानते हैं, ये बात आप इसलिए कह रहे हैं कि कुछ पावर उस ईश्वर को कहां से ले आएगी? ये सब जो चीजें हो रही है, फिर वो कैसे रही है? इतने ही तो सवाल है ना, तो हमको नहीं पता कि ये कैसे, ये चमड़ा कैसे बना। ये जब मैं छोटा था तो मैं अपने हाथों को देखता था कि कितने मेदारे हैं कितने छोटे छोटे हैं, कितने, मैं खुद ही देखता था। ठीक है, और मैं अपनी माँ को बोलता था, मैंने पूछा अच्छा तू मेरी मम्मी है? मैंने अपनी माँ को पूछा तू मेरी मम्मी है? नहीं। हाँ, तो मैंने कहा कैसे तू बोल रही कि तू मेरी मम्मी है? तुम्हें जानता ना वो क्या बोली, मैंने तुमको पैदा किया इसलिए। मैंने कहा तुमने मुझे पैदा किया पक्का? हम लोग सब झूठ बोल रहे, सब झूठ बोल रहे। मैंने कहा तुमने यदि मुझे पैदा किया तो मेरे जैसे एक और पैदा कर दो। मैंने कहा तुझे इतना तो पता नहीं तू सांस कैसे ले रही है, तुझे इतना तो पता नहीं तेरे मुंह में दांत कितने हैं, तू बता रही मेरे इतने बॉडी को पैदा कर लिया तूने? पैदा तूने नहीं किया, अपने आप ऑटोमेटिकली हुआ। तूने इतना इतना वो भी नहीं, मैं कह सकता कि तूने किसी के साथ प्रेम किया या सेक्स किया, वो भी होता है अपने आप। सेक्स की इच्छा यदि अंदर ना हो तो करके दिखा दो जरा सेक्स, तो इच्छा कैसे आती है? वो हमारे अंदर जो केमिकल प्रोसेस है उनके थ्रू होते हैं। वो केमिकल प्रोसेसेस माइंड से कनेक्टेड है, माइंड यूनिवर्स से कनेक्टेड है, वो किसी और से, ये सारा चीज इंटरकनेक्टेड है। मतलब चांद का उगना और आपका दीवानापन, ये कोई अलग अलग बातें नहीं है। तो चांद जो है, चांद की साइकिल कितने कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की। हम लोग ने महीने कितने दिनों के बनाए? 30 दिनों। एक्चुअली साइकिल 28 दिन की होती है, और औरत का जो पीरियड होता है उसकी साइकिल कितने दिनों की होती है? 28 दिन की होती है। इसलिए उनका हर साल हर महीने बदलता रहता है कि आपकी डेट 5 को है, अभी वो 7 को हो जाएगा, फिर आगे पीछे होता रहेगा, क्योंकि वो 2 दिन का फर्क है ना महीने में। यदि 28 दिन का महीना होता तो सेम डेट में आती, लेकिन हमारा है 30 कुछ है 31। तो ये सारी जो हमको ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, ये नॉलेज नहीं है, ये हमको रटवाया गया है, बता दिया गया है। नॉलेज तो वो होता है जब आप किसी चीज को अंदर से जानो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि धर्म अज्ञानियों के लिए बना है। धर्म मतलब व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये अज्ञानियों के लिए बना है, ज्ञानी के लिए कोई धर्म नहीं। ज्ञानी मतलब जो अ पर्सन हु हैज बिकम अ लाइट अनटू हिमसेल्फ, जो खुद ही अपनी उसको उजाला मिल गया, और सिर्फ उजाला ही ज्ञान है। अंधेरे में आप 1000 किताब पढ़ लो, करोड़ किताब पढ़ लो, आप ज्ञानी नहीं बन सकते। और ज्ञानी इतना सिंपल होता है कि वो क्या कहता है कि मेरा न होना मेरा होना है। जैसे वो पॉइंट क्या है, नहीं और वो है, लेकिन ये यदि वो पढ़ा दे तो बात ही खत्म हो जाएगी। करने की वीडियो देख रहा था तो उसमें कोई वो कह रहे थे प्रभुपाद बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि क्राइस्ट ने बोला आई एम सन ऑफ गॉड, और मोहम्मद ने बोला आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, और कृष्ण ने बोला आई एम गॉड। द ट्रूथ ये दैट यू आर गॉड।
भगवान। बट यदि इस सत्य को आप मान लोगे ना तो ये धर्म की जो 400 बीसियां चल रही है सब खत्म हो जाएगी।